लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। राजगढ़ जिले में सीएए समर्थन रैली के दौरान कलेक्टर और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा नेता राजगढ़ कलेक्टर के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। बुधवार को शिवराज सिंह चौहान भाजपा नेताओं के साथ राजगढ़ कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने राजगढ़ पहुंच गए। वहीं शिवराज के राजगढ़ दौरे को लेकर मंत्री जीतू पटवारी ने अपनी ओर से तीखी प्रतिक्रिया दी। शिवराज के राजगढ़ दौरे को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने जमकर हमला बोला। उन्होंने शिवराज का घेराव करते हुए कहा कि वे माफियाओं को बचाने और संरक्षण देने राजगढ़ गए हैं। जीतू ने शिवराज पर तंज कसते हुए कहा कि शिवराज आज जैसा व्यवहार कर रहे हैं, पहले उनका व्यवहार ऐसा कभी नहीं था। मंत्री पटवारी ने कहा कि शिवराज स्वयं तय करे कि वे उद्दंड मध्य प्रदेश चाहते हैं या समृद्ध। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र बन गया है, पहले 15 साल माफियाओं को इन्होंने पनपाया, फैलाया और उनको संरक्षण दिया। अलग अलग नेताओं ने अलग अलग जिलों में अलग अलग माफियाओं को पीछे से सपोर्ट किया और अब वही सारे नेता इकट्ठा होके जो उनका खुद का भ्रष्टाचार का पैसा भी उन माफियाओं के जरिए वो लूट कर रहे थे, अब उनका संरक्षण करने में लगे हैं। पहली बार प्रदेश में या देश में ऐसा अवसर आया कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करे तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है, राजनीतिक पार्टी आंदोलन कर रही है। कौन सी पार्टी जिसने 15 साल राज किया, आप माफियाओं के संरक्षण में आ गए, इतने नीचे गिर गए। मैं भारतीय जनता पार्टी के सोच पर, विचार पर, उनके उनके थीम पे मैं समझता हूँ कि इतना नीचे चला जाएगा अंदाजा नहीं था। पर मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, आप कितने प्रदर्शन करें, कितने आंदोलन करें, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी और 100% चलेगी जनता। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।